गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू एसएसटी स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर 9 गुड हैबिट्स। तो हम लोग बुक रीड करेंगे आज, एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुक रीड किया था, एंड थोड़ा सा रिमेनिंग चैप्टर है वो आज पढ़ते हैं। ओके, गुड हैबिट्स अच्छी आदतों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने पढ़ा था गुड हैबिट्स एंड मैनर्स के बारे में, जैसे कि हमें किसी व्यक्ति की हेल्प करना चाहिए, उसे हेल्प की जरूरत, रेस्पेक्ट एंड ओबे एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है और हमेशा दयालु रहना है, अपनी मदर की आपको हाउस क्लीनिंग में हेल्प करनी है, शेयर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स, अपनी वस्तुओं को फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, और जब भी आप किसी से मिलें तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ में मिलें, एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और आपको सुबह जल्दी जगना है और अपना वर्क जो है होमवर्क को टाइम पर करना है, स्कूल टाइम पर पहुंचना है, और जब आपको स्कूल से बाहर निकलते हो तो आपको एक लाइन में चलना है और जो डस्टबिन में कूड़ा करकट डालना है। ओके, सो ये कुछ हम लोगों ने कल पढ़े थे, एंड जो आज का है इसमें है ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, बोलने के लिए आपको आपकी बारी आने का, आपका टर्न आने तक आपको वेट करना है। एंड ये देखो, आई स्विच ऑफ फैन एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, ये कह रहा है कि मैंने स्विच और फैन को ऑफ कर दिया है जब या कर देता हूँ जब यूज नहीं होता है। सो ये अच्छी आदत है, यहाँ सेव इलेक्ट्रिसिटी होगा। ओके, आई वाटर माई प्लांट्स डेली, ये देखो अपने पौधों की केयर कर रही है, कह रहे मैं अपने पौधों को डेली पानी देती हूँ। ओके, सो राइट एनी वन गुड हैबिट डू यू डेली, यहाँ पे आपको एक अपनी गुड हैबिट लिखनी है जो आप डेली उसको करते हो। आगे यहाँ पे पेस्ट स्माइली फेस सर्किल हैबिट्स सोन आर गुड, यहाँ पे जो अच्छी आदत होगी उसको आप एक स्माइली फेस पीछे से पेस्ट करना है। सो ये अच्छी आदत है, ये डस्टबिन में कूड़ा ना डाल के इधर उधर फेंक रही, वेरी बैड हैबिट, ये अच्छी आदत है। अपने ट्वाइस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर रहा है, तो यहाँ एक यहाँ पर यहाँ, एंड ये देखो अपनी मम्मी की हेल्प कर रही है तो यहाँ पर, ओके और यहाँ पर, सो 1, 2, 3, 4 जगह आपको स्माइली फेस बनाना है, एंड यहाँ पर आपको बैड फेस, पर बैड फेस के लिए यहाँ नहीं बोला, सिर्फ स्माइली फेस के लिए बनाना है, तो पीछे से आपको यहाँ पेस्ट करने है। ओके, इन दो जगह पे, यह देखो क्यू में तो जा रहे हैं बट इस लड़की ने इसको धक्का मार दिया, पुश कर दिया, तो ये वेरी बैड हैबिट हो गई। ओके, नेक्स्ट है आगे हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं, गिविन ब्लू आर सम हेल्दी हैबिट्स वन मस्ट फॉलो टू स्टे फिट, तो हमें अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करना है, जैसे एक्सरसाइज और डू योगा एवरी डे, हमें डेली एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए जिस तरीके से ये बच्चा कर रहा है। आगे यहाँ पे ब्रश योर टीथ ट्विश ए डे, एक दिन में हमें दो बार ब्रश करना है, दिस इज वेरी गुड हैबिट, एंड ईट फ्रेश फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर, ये फ्रेश फूड खाने चाहिए एंड क्लीन वाटर, एंड बाथ एवरी डे इन द मॉर्निंग, और आपको यहाँ पर डेली मॉर्निंग में नहाना चाहिए, एंड वॉश योर हेयर विथ शैम्पू, आपको अपने बालों में शैम्पू करना है, और आफ्टर टेकिंग ए बाथ कॉम्ब योर हेयर, और नहाने के बाद में आपको अपने बालों में कंघी करनी है इस तरीके से, जिससे आपको अच्छे लगेंगे एंड गुड लुकिंग। सो एंड वी मस्ट टेक एन 8 आवर स्लीप डेली एट नाइट, और आपको 8 घंटे डेली रात को सोना है, एंड कीप योर नेल्स ईयर एंड नोज क्लीन, आपको अपने नेल ईयर और नोज को क्लीन रखना है, कवर योर माउथ एंड नोज विथ हैंडकरचीफ व्हेन यू आर कफ और स्नीज, जब आपको खांसी आ रही हो या स्नीज छींकना है तो आप एक हैंडकरचीफ से अपने माउथ और नोज को कवर कर लें। ओके, दिस इज वेरी गुड हैबिट। सो ये कुछ थी जिससे हम यहाँ पर स्टे फिट रह सकते हैं, और भी है आगे यहाँ पर, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, आफ्टर यहाँ पर क्या है, वॉश हैंड्स कब कब करनी है, आफ्टर मील्स एंड बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले और बाद में, और आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, और टॉयलेट जाने के बाद में आपको हैंड साबुन से वॉश करने हैं। आगे यहाँ पे स्लीप ऑन टाइम इन नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको शाम को रात को जब सोते हो तो टाइम पर सोना एंड सुबह जल्दी जागना है। ओके, सो ये थे आपके, तो अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ हैबिट्स थी, एंड हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी कुछ हैबिट्स पढ़ी थी, वो थी गुड हैबिट्स एंड मैनर्स, एंड ये थे अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, एंड होमवर्क में इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, आगे की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।